गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश वर्कबुक। और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 7, ज्वेल्स ऑफ द ओशन, आइलैंड्स दैट राइज अप इन द मिडल ऑफ द सी। आइलैंड जो कि कहाँ पे होते हैं, समुद्र के बीच में, जो कि अट्रैक्ट करते हैं हज़ारों हॉलीडे मेकर्स को अपनी सीनिक ब्यूटी से। सिकी ज्वेल ऑफ द ओशन की तरह मेनी ऑफ दीज आइलैंड टुडे फेस द ग्रे। लेकिन ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं जिन्हें आज बहुत ही ज़्यादा खतरा है सी लेवल के बढ़ने का, जो कि सी लेवल बढ़ता कैसे, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। उन्हें बस ये डर रहता है कि कहीं ये हमेशा के लिए उसमें डूब ही ना जाए। तो यहाँ पर हम कुछ आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुक आइलैंड्स के बारे में, लोकेटेड हाफ वे बिटवीन न्यूजीलैंड और हवाई के बीच में है ये, और ये चेन है 15 आइलैंड का, जिसे हम लोग बोलते हैं डीप ब्लू लैगून, कोरल एटॉल्स और वोल्केनोस। द काकरे रोरी बर्ड बहुत ही रेयर बर्ड है, जो कि यहाँ की नेटिव बर्ड है कुक आइलैंड की। द आइलैंड ऑफ अटियू इज़ अ हेवन फॉर बर्ड वॉचर। अटियू का जो आइलैंड है, आइलैंड ऑफ अटियू, वो एक स्वर्ग की तरह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। तो जिन्हें बर्ड्स अच्छे लगते हैं वो यहाँ पे बहुत ही इन्जॉय करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनुआ मानू, इसे इनुआ मानू भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है आइलैंड ऑफ बर्ड्स इनके नेटिव लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच पॉलिनेजिया के बारे में। तहिती वन ऑफ द आइलैंड इन दिस ग्रुप ऑफ 118 आइलैंड, 118 आइलैंड के ग्रुप में एक बहुत ही फेमस आइलैंड है ये तहिती। इसे हम लोग बोलते हैं इनसे पैराडाइज की तरह है, क्योंकि ये पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, कोरल रीफ और लैगून्स। बोरा बोरा भी जो आइलैंड वो बहुत ही सुंदर है। इसमें यहाँ पे टाइगर शार्क, मांटा रेज एंड द इंडियन मैना बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। किरीबाती के बारे में पढ़ेंगे। किरीबाती कंप्राइजेज 33 कोरल आइलैंड एंड इज़ नोन फॉर वर्ल्ड क्लास फिशिंग। किरीबाती जो है यहाँ पे 33 कोरल आइलैंड से मिला हुआ है, इसको लोग वर्ल्ड क्लास फिशिंग के लिए भी जाने जाता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर सर्फिंग डेस्टिनेशन है ये, यहाँ पे सर्फिंग बहुत ही होती है। सम एंडेमिक बर्ड्स जो हैं यहाँ की वो हैं किरीबाती, बोकी कोकीको, किरीतीमाती, सैंड पाइपर एंड लेप्टोरस अल्जीरियंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दीव के बारे में। द ब्यूटीफुल बीच हिस्टोरिकल हेरिटेज है यहाँ पे, पोर्तगीज आर्किटेक्चर है ये, इंडियन आइलैंड फैसिनेट टूरिस्ट फ्रॉम पूरे वर्ल्ड से, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पैरासेलिंग, बोटिंग, जेट स्काइंग, ये सब यहाँ पे होती हैं। द आइलैंड ऑफ दीव इज़ होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स, उनका घर की तरह है। यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर हैं जो इनके घर की तरह है ये आइलैंड, जैसे फ्लैमिंगो और वेस्टर्न रीफ ईग्रेट्स। सोलोमोन आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 992 आइलैंड इनहेबिटेड बाई 3 मेन कल्चरल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो 992 आइलैंड है। तो 3 मेन कल्चरल ग्रुप है, द मेलिनेसिया, द पॉलिनेसिया एंड द माइक्रोनेसिया। स्नॉर्केलिंग और सर्फिंग जो है यहाँ पे बहुत ही आकर्षक है, अट्रैक्शन देता है इस आइलैंड। द येलो बिब्ड लोरी, रैनल पैरेट और एंड द माकिरा ड्वार्फ किंगफिशर, यहाँ की जो कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्कीलीज के बारे में। कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ 116 आइलैंड, यहाँ पे जो ग्रुप है 116 आइलैंड का ये पूरा ग्रुप है जो कि इंडियन ओशन में है। ए मेजोरिटी ऑफ आइलैंड इन स्कीलीज आर मेड ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हार्डेस्ट ग्रेनाइट इन द वर्ल्ड। तो ये आइलैंड का जो बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो बहुत ही पुराने और हार्डेस्ट ग्रेनाइट से ही बना हुआ है। इन द रिसेंट ईयर दीज आइलैंड हैव एक्सपीरियंस द वर्स्ट कोरल डाई ऑफ, लेकिन इन समय बहुत ही गंदा एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोरल डाई ऑफ की वजह से एंड द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ ड्रॉट और सूखा पड़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से भी हुआ है ये। द रेयर स्कीलीज ब्लैक पैरेट कैन बी फाउंड ऑन द आइलैंड ऑफ पार्सलिन मेन आइलैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे मालदीव्स के बारे में। इट इज़ द लोवेस्ट लाइंग कंट्री ऑन द प्लैनेट, पूरे प्लैनेट में लोवेस्ट लाइंग कंट्री है मालदीव्स, एंड इट पर्टिकुलरली इन डेंजर ऑफ बींग सबमर्ज्ड ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है उसे बढ़ने की वजह से ये हमेशा
डेंजर में ही रहता है कि ये डूब ना जाए। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजी, पॉपुलर फॉर इट्स ब्यूटीफुल वाइट सैंडी बीच। वाइट सैंडी बीच और पाम ट्रीज़ के लिए पॉपुलर है। इसको हम लोग सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के भी नाम से जानते हैं। इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग सर्फर्स, जो सर्फिंग करते हैं यहाँ पे, सर्फिंग जो करता है वो उसके लिए यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। राइजिंग सी लेवल्स एंड फ्लडिंग हैव ऑलरेडी फोर्स्ड मेनी पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम द आइलैंड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यू कैलेडोनिया विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल लैगून। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कोरल लैगून, रिवर वैली और टम्बलिंग वाटरफॉल। इट इज़ अ पैराडाइज्ड फॉर नेचुरल लवर्स। एक जो नेचुरल लवर होते हैं, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनके लिए एक स्वर्ग जैसा है ये। द आइलैंड बैरियर कोरल रीफ इज़ लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को फॉर इट्स रिच इकोसिस्टम। के वजह से ये यूनेस्को में भी ये लिस्टेड है। तो ये थी हमारी चैप्टर 7। अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। मैच द कॉलम। फ्रेंच पॉलीनेशिया का होगा एफ, हैज़ अ प्लेस नेम्ड बोरा बोरा। मालदीव्स लोवेस्ट लाइंग कंट्री। किरीबाती गुड फॉर फिशिंग। कुक आइलैंड लोकेटेड बिटवीन हवाई एंड न्यूजीलैंड। न्यू कैलेडोनिया हैज़ अ रिच इकोसिस्टम। सोलोमन आइलैंड मेड अप ऑफ 992 आइलैंड। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। आंसर दीज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई आर द आइलैंड कॉल्ड द ज्वेल्स ऑफ द ओशन। इसका आंसर है, द आइलैंड आर कॉल्ड द ज्वेल्स ड्यू टू देयर सीनिक ब्यूटी, देयर फ्लोरा एंड फाउना एंड वंडरफुल इकोसिस्टम। राइजिंग अप इन द मिडल ऑफ द सी दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ हॉलीडे मेकर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट टूरिस्ट इंजॉय ऑन द आइलैंड अराउंड द वर्ल्ड। इसका आंसर है, देयर आर मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज दैट टूरिस्ट इंजॉय ऑन द आइलैंड अराउंड द वर्ल्ड। दे कैन गो ट्रैकिंग, डू फिशिंग और बर्ड वॉचिंग, स्विमिंग एंड स्नॉर्केलिंग इन द क्लियर ब्लू वाटर्स अराउंड द आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द आइलैंड। इसका आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अफेक्टेड द आइलैंड्स बैडली। मेनी ऑफ द आइलैंड फेस द ग्रेव डेंजर ऑफ राइजिंग सी लेवल कॉज्ड बाई ग्लोबल वार्मिंग विच थ्रेटन टू सबमर्ज देम इन द ओशन फॉर एवर। मैंशन द स्पेशल फीचर ऑफ न्यू कैलेडोनिया। का स्पेशल फीचर क्या है? इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल लैगून। इट्स बैरियर कोरल रीफ इज लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन बी है इसका, स्किलीज का, मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर मेड ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हार्डेस्ट ग्रेनाइट इन द वर्ल्ड। मालदीव्स का, इट इज़ द लोवेस्ट लाइंग कंट्री ऑन द प्लैनेट। फिजी, इट हैज़ ब्यूटिफुल वाइट सैंडी बीच एंड इज़ नोन एज द सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दीव, इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज एंड पोर्तुगीज आर्किटेक्चर। फिर यहाँ पे मैच करने को दिया है, मैच द कॉलम टू फॉर्म कंपाउंड नाउन में, जैसे ट्रेजर हंट, आर्ट गैलरी, फ्रूट केक, रोज और कर्ड, ऑरेंज जूस, क्रिकेट मैच, साइंस टीचर, और यहाँ पे शायद चेरी छूट गया तो चेरी बुश होगा। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, रीराइट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव फ्रॉम द हाइलाइटेड फ्रेज। ये जो हाइलाइटेड फ्रेज दिया है, यहाँ पे हम लोग को एडजेक्टिव यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया है शी इज़ फ्रॉम अमेरिका, तो यहाँ पे एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शी इज़ अमेरिकन। इसी तरह से 2 है, दे लव द क्विजाइन फ्रॉम इटली। इसका लिखेंगे दे लव इटालियन क्विजाइन। तो मैंने यहाँ पे 2 बता दिया है, आप लोग इसी तरह से इसके आगे का भी कर लेंगे। इसका ग्रामर सेक्शन है, री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट प्लेस। ये जो एडवर्ब दिए हुए हैं ब्रैकेट में, हर सेंटेंस के आगे जो ब्रैकेट में एडवर्ब दिए हैं, इनको सही जगह पर यूज़ करके हमें एक सेंटेंस सही बनाना है। जैसे द शॉप इन द विलेज ओपन अर्ली, ब्रैकेट में दिया है यूजुअली।
तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे द शॉप्स इन द विलेज यूजुअली ओपन अर्ली। इसी तरह से सेकेंड मैंने बताया है द स्कूल बस कम्स ऑन टाइम, ब्रैकेट में दिया है ऑलवेज। इसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे द स्कूल बस ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। तो मैंने यहाँ पे दो बता दिया है, बाकी का आप खुद से कर लेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 7 ज्वेल्स ऑफ द ओशन, जिसे आज हमने पढ़ लिया है। ये इसका क्वेश्चन आंसर मैंने बुक में कराया है, लेकिन आप लोग इसे अपने कॉपी में या फिर बुक में कर लेंगे अच्छी तरह से साफ साफ राइटिंग में। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।